राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान गणेश के जन्मोत्सव पर्व के बारे में। उनका जन्मोत्सव पर्व कब मनाएं, किस विधि से मनाएं, उनको क्या विशेष रूप से चढ़ाएं और क्या न चढ़ाएं, इसके साथ ही बताएंगे यदि आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही, यदि आपका व्यापार रुका हुआ है या आपका व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ है तो गणेश चतुर्थी के दिन हम क्या उपाय करें जिससे व्यापार की बाधाएं दूर हों, व्यापार में धन की कमी दूर हो। इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, इस दिन गौरी पुत्र गणेश का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। इस बार 7 सितंबर को भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाएगा। ये पर्व 10 दिन तक चलता है, यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति उत्सव का विसर्जन होता है जो 17 सितंबर को है। गणेश चतुर्थी के दिन हमें भगवान गणेश की स्थापना करनी चाहिए, विधि विधान के साथ उनका पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से उनको मोदक का भोग लगाइए, मोदक नहीं है तो बेसन के लड्डू भी उनको प्रिय हैं, मोती चूर के लड्डू भी उनको प्रिय हैं, गोले से बने हुए लड्डू भी उनको प्रिय हैं, सूजी के लड्डू भी उनको प्रिय हैं। उनको लड्डू अर्पित कीजिए भोग में, उनको केला अर्पित कीजिए, उनको सिंदूर अर्पित कीजिए, उनको दूर्वा दल अर्पित कीजिए। इस तरह से ये उनकी प्रिय वस्तु है, उनको अर्पित कीजिए। इसके साथ ही उनको भूल से भी तुलसी पत्र न चढ़ाएं, टूटे हुए चावल न चढ़ाएं, सफ़ेद वस्तु न चढ़ाएं, यज्ञोपवीत जैसी कोई सफ़ेद वस्तु आप चढ़ा रहे हैं तो उसमें सिंदूर, रोली या हल्दी इसका टीका अवश्य लगा लें। केतकी के फूल बिल्कुल भी न चढ़ाएं, बासी फूल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। इन सब सावधानियों को रखते हुए हमें भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व मनाना चाहिए। उनकी स्थापना आप एक दिन के लिए करें, 3 दिन के लिए करें, 5 दिन के लिए करें, 7 दिन के लिए करें और 10 दिन के लिए करें। जैसी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है उस तरह से आप इन दिनों के हिसाब से उनकी स्थापना कर सकते हैं कि मैं अपने यहाँ 3 दिन के लिए गणपति बिठा रहा हूँ, उनका पूजन 3 दिन होगा। यदि आप इस तरह से गणेश जी को बिठा रहे हैं तो सुबह शाम अलग अलग भोग लगाइए, सुबह शाम आरती कीजिए, सुबह शाम उनका पूजन कीजिए। इस तरह से गणेश चतुर्थी से लेकर 10 दिन तक उनका उत्सव मनाइए। बंधुओं, अब बात करते हैं व्यापार से जुड़ी उस खास उपाय की, जो विशेष उपाय है जिसको करने से भगवान गणेश की कृपा से आपके व्यापार में उन्नति होगी। भगवान गणेश सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। शास्त्र कहते हैं ये अनादि अनंत देव हैं, भगवान कृष्ण का अंशावतार माने जाते हैं। गौरीपुत्र गणेश की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। यदि आपके व्यापार में परेशानियां आ रही हैं, आपको लगता है कि मेरा व्यापार चलते चलते रुक गया है या आपका व्यापार पूरी तरह से बंद है और उसे आप पुनः चालू करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी पर इस ये प्रयोग अवश्य करिए। विघ्नहर्ता की कृपा से आपकी व्यापार की सभी बाधाएं दूर होंगी, व्यापार में आपको उन्नति प्राप्त होगी, व्यापार से संबंधित आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कोई डील आपकी रुकी हुई है तो वो सभी डीलें आपकी फाइनल होंगी। तो बंधुओं, प्रयोग क्या करना है, भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना, भगवान श्री हरि की पूजा तुलसी के बिना और गणेश जी की पूजा दूर्वा दल के बिना पूरी नहीं होती। इसलिए गणेश जी को दूर्वा दल अवश्य अर्पित करना है। अब व्यापार से संबंधित परेशानी है तो आप दो दो के जोड़े में 21 दूर्वा दल की गांठें बनाइए, यानी कि 21 गांठें बनानी है आपको। प्रत्येक गांठ में 2 दूर्वा दल रखने हैं और उनको कलावे से बांधना है। इन 21 गांठों को आप गंगा जल से शुद्ध करिए, उसके बाद इन पर रोली या हल्दी या सिंदूर इसका टीका कीजिए और भगवान गणेश का कोई भी एक मंत्र मैं निवेदन कर दे रहा हूं, ओम लंबोदराय नमः या ओम गंग गणपते नमः,
या ओम गणेशाय नमः, इनमें से कोई भी भगवान एक गणेश जी का एक मंत्र ले लीजिए। ये मंत्र बोलते हुए 21 गांठें भगवान गणेश जी के श्री चरणों में चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद उनके श्री चरणों में अपने व्यापार से जुड़ी हुई समस्या को रखिए। इस प्रयोग को आप गणेश चतुर्थी के दिन कीजिए और 10 दिन तक कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है। इस तरह से गणेश जी को 21 गांठें दूर्वा दल की अर्पित कीजिए और मंत्र जप कीजिए और उनके चरणों में अपने व्यापार से संबंधित हुई परेशानी को रखिए, तो विघ्नहर्ता की कृपा से आपकी व्यापार की बाधाएं दूर होंगी, व्यापार की उन्नति होगी, व्यापार में उत्तम धन प्राप्ति होगी, रुका हुआ व्यापार आपका पुनः चलने लगेगा। ये शास्त्रों में दिया गया प्रयोग है बंधुओं, इसको आप करके देखिए, आपके व्यापार में उन्नति अवश्य होगी। जब आप विसर्जन करने जाएं, तब इन दूर्वा दल को आप अपने तिजोरी में रखें। इस बात को विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आप, चाहे आपने 1 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन आपने पूजा की है, उसके बाद विसर्जन के समय इन दूर्वा दल की 21 गांठों को किसी लाल या पीले वस्त्र में बांधकर उसमें कुछ जो पूजा के चावल हैं गणपति पर चढ़ाए हुए उनको लेकर के और एक हल्दी की गांठ लेकर के इनको आप अपनी तिजोरी में रखिए, तो आपकी तिजोरी में हमेशा धन वृद्धि होगी, आपके व्यापार में धन से जुड़ी समस्या का निराकरण होगा। तो बंधुओं, यदि आपकी व्यापार की समस्या है तो कर लीजिए विशेष उपाय और पा लीजिए भगवान गणेश की कृपा। आप सभी को भगवान गणेश के जन्मोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।